अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दे रखा है, इफ ए इज इक्वल टू दिस टाइप देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और सेम चीज हमारी अगर ए मैट्रिक्स इस तरह की है तो ये हमें वेरीफाई करना है। तो यहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ए ट्रांसपोज की। तो पहले हम इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज ये क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये फर्स्ट रो है तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब हमें क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज ए। ए ट्रांसपोज क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ए ट्रांसपोज हो गया। ए क्या है हमारा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा और ये माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। तो यहां पे भी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे देखो, ये चीज और ये चीज सेम है और साइन अलग अलग है तो ये कट जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे, ये और ये सेम है, ये भी कट जाएंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा ये क्या होता है, वन। सेम चीज ये भी वन। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स आएगी बेसिकली ये क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने पहले वाले को वेरीफाई कर लिया, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू क्या आ गया, आई। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी ये वाली डायगोनल पे वन वन हो और बाकी हर जगह जीरो हो, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया। सिमिलरली हम सेकेंड वाला फाइंड कर सकते हैं। पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज ए फाइंड करना है। तो ए ट्रांसपोज ए साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। ए क्या है हमारा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। तो यहाँ पे ऊपर जो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बन गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा। सेम चीज इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा, इसको इसके साथ माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा, इसको इसके साथ। तो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे ये जो है ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो ये वन। तो यहाँ पे ये हमारा एक आइडेंटिटी यानी आई आ जाएगा। ये इंप्लाई करेगा ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये हमने दोनों तरीके से वेरीफाई कर लिया, लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि ये इन जनरल ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स इस तरह से दे रखी थी कि हमारा ए ट्रांसपोज ए जो है वो आई के इक्वल आ गया, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता है। इन जनरल जरूरी नहीं है कि ए ट्रांसपोज ए जो है वो आई ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ए ट्रांसपोज जो है ये अलग होता है। ये कब आएगा, इन जनरल ऐसा होता है कि ए इनवर्स ए जो है ये आई आ जाएगा, ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि इन जनरल ऐसा नहीं होता है। ये हमारा आंसर हो गया।